हाँ, कैसे हैं आप? पहले से तो ठीक हूँ अभी थोड़ा। आराम है? अच्छा, हाँ, आराम तो है। उस दिन काफी परेशान थी मैं तो। अब आप बीच में ना ट्रीटमेंट छोड़िएगा नहीं, अच्छे से करके कंप्लीट करके खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? अब इतनी परेशानी हो जाती है, अभी बताइए, अगर ज्यादा तकलीफ पड़ जाएगी फिर डॉक्टर के पास भेजेंगे, भेजेंगे फिर उसके बाद MRI कराओ, ऑपरेशन कराओ, फिर एक तो आप लेडीज हो तो फिर काफी दिक्कत होती है ना, तब हाँ, मेरे को नहीं कराना है, वो सबसे खुद मेरे को बहुत डर लगती फिर डर भी लगता है। तो फिर जब आपको किसी चीज से आराम मिल रहा है तो फिर उसको ऐसे इग्नोर ना करें ना, उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट करके खत्म कर लें। अभी का अच्छा खासा रिकवर हो गया था और आपकी थोड़ी सी उससे अपनी मर्जी से आपने बंद कर लिया, तो उसको दोबारा मत करिएगा सर, ठीक है? जी। अभी तो बहुत अच्छा, अभी तो बैठने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठने में। अरे ठीक हो जाएगा ना, देखिए भरोसा है ना, हमें भी हम दवा देते, हमें पता है अच्छा आराम है आपको, आपने पहले लिया भी है तो आपको भी कॉन्फिडेंस है कि इनकी दवा से आराम हाँ, मिलता है, तो आराम पता चल, तो मिलता तो आपने देखा ना दवाई से काफी आराम है, तो एकदम ठीक हो जाएंगे आप। बट क्या ट्रीटमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू ना करिएगा अपनी मर्जी से, 1-2 महीने कम या ज्यादा ट्रीटमेंट में लग सकता है, डिपेंड ना, लेकिन ये कि वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा उससे। जी। पहले भी तो हुआ था ना आपने लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा, पहले भी ठीक हो गई थी, बट मैं खुद ही मुझे ठीक हो गए तो फिर आपसे मैं कांटेक्ट भी नहीं की और अपने आप बंद कर दी थी। फिर मेरे को कुछ दिन के बाद में ज्यादा कुछ सब चीज खा गई थी मैं, चिकन वगैरह मटन वटन सब चीज एकदम अच्छे से। फिर से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, काफी परेशानी, एकदम इतना दर्द है। जो मेरे हस्बैंड थे वो ड्यूटी में थे, उनको फिर मेरे को फोन करके बुलाना पड़ गया था। बताइए कितना तकलीफ हो गई। हाँ, मैं बोली कि ये मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मैं नहीं रह पाऊंगी। वो बोले कि जल्दी से दवा मंगा लो, ऐसे बोल के। तो पहले अभी मैं मंगा लेते समस्या ही ना होती, पहले ट्रीटमेंट कर लेते पूरा ठीक हो गया होता। चलिए हाँ, उसको ठीक है, एंजॉय करिए। हाँ, और इसको देखिए 1 हफ्ता पहले ऑर्डर कर लिया करें, क्योंकि पहुंचने में 4-5 दिन टाइम लग जाता है ना। हाँ, देखिए 1 महीने की डोज है, उससे तो काफी आराम है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। बस दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी से खत्म भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं दोबारा मंगाना पड़े, लेकिन फिर भी हमसे पूछ करके सलाह जी मशवरा करने के बाद, जब इंसान गाइड करेंगे सिम्टम पूछने के बाद, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है फॉलो करिएगा, अपनी मर्जी से जो है मत करिएगा, ओके? जी हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल खाने में कुछ ध्यान नहीं दे रही, ओनली मैं रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ बस। अच्छा, अरे सब्जी भी तो खाती है ना। हाँ, सब्जी खाती हूँ, उसमें तो बिल्कुल आलू भी नहीं, मैं डालती नहीं हूँ। अच्छा किया आपने, आलू है, दाल है, बस हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। हमारी वीडियो देखा था जिनका फिशरा 3 महीने में 8 महीने में ठीक हुआ था। हाँ, वो फिर एक्स्ट्रा, फिर वो ने 3 महीना के बजाय 6 महीना के भी दवा लिए थे। हाँ, हाँ, तब देख ही रही हूँ अभी तो मैं उसे, को देखते देखते थोड़े से मेरे को झुकती लग गई। चलो अच्छा, मतलब देख के लगता है ना वीडियो से कि हाँ काफी लोग ठीक हो रहे हैं क्या। हाँ, तुम वीडियो तो देख रही हो, काफी लोग ठीक हुए, तभी तो उन लोग रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं आपके पास। आप भी ठीक हो जाना, आप भी अपनी रिकॉर्डिंग देना। हाँ, मैं अरे भी दूंगी सर, मैं तो चाह रही हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं भेज दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना दर्द होता है सर। देखिए, वो राधा दिल्ली की थी, उन्होंने हिम्मत दिखाई थी और अपनी आवाज उन्हें भेजी थी, तो उससे बहुत सारी औरतों को एक हेल्प मिली ना, हाँ, तो क्योंकि आपकी मेरे, आवाज एक हेल्प होती है। हाँ, जिस दिन मेरा ये सब दर्द हो रहे थे ना, मेरा बच्चा भी बहुत रो रहा था। मेरा बच्चा अभी 3 साल होने वाला है इनका, सितंबर में। वो मेरे को देख देख के रो रहा था कि मम्मी मम्मी, ऐसा बोल के बोले कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर दवा आपका ले रही थी तो बोल रहा था मम्मी मत खा, इनको लग रहा था ना कि हम कुछ और दवा खा रहे हैं अच्छा, मेरे बच्चा। हाँ, फिर मेरे बेटा को भी हम पकड़ के रोने लग गए थे, इतना स्थिति खराब हो गया था अभी। अरे इमोशनल स्टोरी आपकी है, हाँ, बहुत इमोशनल, एकदम मेरा बच्चा हो गया। अब तो खुश हैं? हाँ, अब तो बिल्कुल खुश है हम। इतनी ऑडियो जितनी हमने बात की, क्या मैं इतने यूट्यूब पे डाल दूं, चलेगा? आपका तो नाम आया तो है नहीं इसमें, कौन है? मेरा नाम कविता। नाम तो नहीं लिया ना, हम तो आपका नाम नहीं आ रहा, इतनी सी ऑडियो तो इमोशनल स्टोरी थोड़ी सी है, 2 ही मिनट की, लेकिन आपने जो वो मोमेंट झेला है, ये दूसरी माओ बहनों तक ये हमारी आवाज पहुंचेगी, तो उनको हेल्प होगी ना कि इस दवा से काफी आराम मिल जाता है, तो हाँ मैं इतना ही डाल दूंगा बस खाली यूट्यूब पे, ठीक है? जी, हाँ, मेरा नाम कविता है।
अरे चलो आप बता भी दिए, तुम आपको आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई नहीं आपत्ति। आपत्ति क्या, किसी को कोई तकलीफ है तो कोई बता दे रहा, दूसरों को हेल्प हो रही, इससे क्या समाज में सबको कुछ ना कुछ बीमारियां रहती है। प्रधानमंत्री को हो जाती है तो पूरा न्यूज में आता है। आता है तो क्या, मेरा नाम कविता, मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम हाँ दे दीजिएगा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर आपने बोल ही दिया तो बता दे, यही ऑडियो हमारे समझ लीजिए ऑडियो टेस्टिमोनियल हो जाएगा, आज हम यही डाल देंगे। आप बता दें कि आपका हमारे साथ जो है ट्रीटमेंट लेते वक्त हमारा बिहेव कैसा रहा, सर्विस कैसी रही, हम खुद ही से देखो, आज भी हमने शायद अपनी तरफ से ही कॉल किया आपको, राइट, जी आपने मैसेज डाला है, तो हमारा ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, अच्छा है, लेना चाहिए लोगों को कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, लेना चाहिए, मैं तो चाहूंगी कि लेना चाहिए। माओ, खास तौर से माओ बहनों के लिए जिनको ऑपरेशन कराने में और दिक्कत होती है ना, बहुत दिक्कत होती है जिनको। दर्द आपको बहुत था ना, जो अपने आपने बताया कि अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ गया था आपको। हाँ, मेरे हस्बैंड को मैं बुला ली थी ड्यूटी से, वो तो बोल रहा था मैं ड्यूटी में हूँ कैसे जाऊँ, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा। मैं बोली जैसे भी आना आप आ जाओ। बोली फिर वो मेरे साथ आए, 1 घंटा रहे, फिर आके मैं दवा ली थी सुबह ही, थोड़ी मेरे को आराम लगा, फिर मैं बोली कि ठीक है अब चले जाइए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, भले ही ऑडियो में, लेकिन हम सुन पा रहे हैं आपके अंदर की आवाज बता रही है कि आप खुश हैं अंदर से, और आपकी बात से लग रहा है कि आपको काफी रिलीफ मिल गया, जो दर्द से आप, जो पीड़ा से आप पीड़ित थी, उसमें आपको काफी आराम मिला, तभी ना आपने अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लिख के लिखा है कि दवा से मुझे काफी आराम मिला। जी सर बहुत आराम है अभी सर, मैं तो हंस रही हूँ अभी बहुत खुशी से, वरना तो मैं दुख भरी पीड़ा में थी एकदम। चलिए, मेरी बहन को आराम मिला, मुझे इससे बढ़ के और क्या है। एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड और गिफ्ट यही होता है कि जब उसका पेशेंट खुश होकर उसके सामने कहता है मैं अब ठीक हो गया या मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये असल रिवार्ड एक डॉक्टर को होता है। जी असल जो है उसके अंदर की, कहते हैं ना कि खुशी जो होती तब जाहिर होती, तब उसे खुशी मिलती है। अभी कोशिश और दुआ आपकी लगे कि 1 महीना के डोज में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं उम्मीद एकदम। कर रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो, तो हमारी भी दुआएं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अपने हमारे हाथों में यश दे, शिफा दे, ताकि जो लोग उम्मीद से दूर दूर से आते हैं हमारे पास, घर बैठ के ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका ठीक हो जाए। और एक चीज और, हमारे यहाँ घर बैठे आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, एक और फैसिलिटी है ना, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे बैठे बात किए, घर बैठे दवाई आ गई, बहुत जी आसान नहीं लगता आपको, मतलब बहुत अच्छा करके हमने रखा हुआ, एकदम ईजी कर दिया है। अच्छा है, दुआ करूँ मैं भी ठीक है, करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत पीड़ा झेली हुई सब, अभी मेरे को 4था साल हो गया। ओहो बताइए। अच्छा, हाँ, मैं नाना यहाँ शादी की थी, मेरा बच्चा मेरे पेट में था 6 मंथ का, और मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी एकदम। चलिए अब तो नियर अबाउट ठीक हो चुकी थी, सारी बीच में तो आपने अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट बंद ना किया होता तो एकदम पूरी क्योर हो गई होती। आपने 3 महीने तो लिया था मेडिसिन, आपका काफी अच्छा हो गया था रिकवरी, बस थोड़ा सा था, आपने सब कुछ खाना भी शुरू कर दिया था, राइट? जी हाँ, खाना मैं शुरू कर दी थी सब, नमकीन वगैरह कुरकुरे उरकुरे सब एकदम। सब खा रहे थे। हाँ बिल्कुल, पूरा भर भर के खा रही थी, इसलिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। नहीं, वो ना होती ना, अगर आप 1-2 महीने और ट्रीटमेंट हमारे अकॉर्डिंग पूछ करके, मशवरा करके, सलाह करके, सर हमें अभी और लेना चाहिए, इतना और बचा, 1-2 महीने जो भी अगर जरूरत होता है उसकी जो हाँ मेडिसिन की, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड कर देते, आप खा लेते, वो परमानेंट जब खत्म हो जाता कोई चीज, तब कोई मसला नहीं था। अगर आपको थोड़ा फंक्शन की बॉडी में है तो उस वक्त आप अगर परहेज नहीं करेंगे तो तकलीफ देगा, उसमें दर्द होगा, लेकिन अगर हाँ आपके जिस्म में कोई फोड़ा फुंसी या शुगर नहीं है, तब आप मीठा खाओ, चावल खाओ, तो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, तब कोई तकलीफ नहीं होती है। जी चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओपनली अपना नाम और सब कुछ बता दिया और शेयर करने की डेयर किया, आपकी हिम्मत को जो है सलाम करता हूँ मैं, और सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे माए बहनें फ्रंट पे आकर अपने फीडबैक देंगे तो दूसरी माओ बहनों को हेल्प मिलेगी, और घर बैठे उनका ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे और उनकी दुआएं ले पाएंगे। इससे ज्यादा किसी भी प्रोफेशन को सफल होने के लिए और क्या चाहिए कि जब किसी की जो है जी ब्लेसिंग मिले, खास तौर से जब किसी जीव को तकलीफ होती है, किसी आत्मा को तकलीफ होती है, और उसको जब किसी चीज से राहत मिलती है, तो एक हार्टेडली ब्लेसिंग आती है, दिल से हार्दिक जो है बधाई शुभकामनाएं और दिल से दुआ निकलती है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। हम सबसे दुआ यही कहते हैं, अपने हमारे लिए दुआ करें कि हम जिनको दवा दें उनका 1 ही महीने में ठीक हो जाए, ताकि दोबारा लेने की नौबत ही ना हो। जी सर, बहुत तकलीफ होती है, ये भुक्त भोगी जानता जिसको तकलीफ होती है कि, और खास तौर से जी माँ बहन बहनों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है सर, पहचाना जाना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
ठीक, थैंक यू सर, मैं खुश जब भी हो ठीक हो जाओ। जाऊँ खुशी खुशी मैं और न्यूज़ दूंगी आपको। अरे बहुत बस अब ठीक ही हो जाओगे तुम, अभी बहुत आराम हो गया और एकदम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, आपका जी हाँ, ठीक है सर, थैंक दिन शुभ हो। थैंक यू। यू, आपका भी दिन शुभ हो। हाँ, थैंक यू थैंक यू।